हेलो विद्यार्थियों मेरे, ये देखें आप क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 देखें। एक्स के किस मान के लिए, यहाँ पे देखिए अवयव दिया है, 3 अवयव दिया। पहला ये फर्स्ट अवयव ये है 1 2 1 है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। एक बार समझ में, इक्वल टू 0 है। यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, इसी एक्स की वैल्यू हमको निकालना है। अब देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दें। आई बात समझ में, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दें, फिर इसके साथ इसका कर देंगे। ठीक है, तो हम पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए कि तो 1 2 1 हो गया, ये पहला भी हो गया। चलिए इसमें मल्टीप्लाई करें, 1 का 0 में करेंगे तो क्या लिख होगा, हो गया 0। प्लस 2 का 2 में किया जाए, 4 हो गया। फिर क्या होगा, यहाँ पर देखिए 0 × x तो हो गया 0। ठीक, ये पहला रो का पहले कॉलम के साथ। इसी तरह दूसरा का 2 का 0 में करेंगे तो 0 होगा। फिर 0 का 2 में करेंगे तो 0 होगा। 1 में x का करेंगे तो +x होगा। ठीक, अब देखिए, अब लास्ट 1 का 0 में मल्टीप्लाई करें 0। फिर 0 का 2 में करेंगे तो हो गया 0। फिर यहाँ इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख देंगे, 2x हो गया, इक्वल टू 0 दिया ही है। ठीक है, तो 1 2 1 हो गया, ये हो गया। ये देखिए ये क्या होगा, ये 4 होगा। यहाँ पे क्या बचेगा, ये x होगा, ये 4 है, और यहाँ 0, यहाँ हो गया 2x, इक्वल टू क्या हुआ, 0 हो गया। चलिए फिर इसका ये पूरा रो इस कॉलम के साथ एक मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का, 4 × 1 हो गया, 4 हो गया। फिर यहाँ 2 में x का मल्टीप्लाई करें और साइन क्या होगा, +2x प्लस, ये देखिए 1 का मल्टीप्लाई 2x में करें तो क्या होगा, 2x इक्वल टू 0। ए आर बी, आई बात समझ में। तो इसको ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा, ये देखिए ए हुआ 4 + 4x इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4x इक्वल टू -4, एक कट गया, क्या बचेगा 1x इक्वल टू क्या हुआ, -1, ये इसका आंसर। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत आसान है, एक बार और समझा दे रहे हैं। ये देख लीजिए क्वेश्चन में, ये 3 अवयव दिया है, पहला दूसरा तीसरा। तो हम पहले काम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लास्ट में इससे मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके ये इसका क्वेश्चन का क्या आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, यदि ए इक्वल टू 3 1 -1 2, ये देखिए कोई एक मैट्रिक्स है हो तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, ए स्क्वायर -5a + 7i इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूरी क्वेश्चन इसमें से आएगा 5 नंबर का। इस तरह के क्वेश्चन हम पिछले एक्सरसाइज में बताए भी हैं, देख लीजिए इसका सॉल्व, देखिए सॉल्यूशन सॉल्व क्या लिखा है। यहाँ यहाँ लिखा है ए इक्वल टू मैट्रिक्स है 3 1 -1 2 दिया हुआ है, और इसका प्रूफ क्या करना है, अब देखिए उस पर ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर -5a + 7। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालें, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a × a हो गया, इक्वल टू देखिए अब 3 1 -1 2, इसका मल्टीप्लाई 3 1 -1 2।
ठीक है। अब ये पूरे इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करें। चलिए मल्टीप्लाई करें, क्या लिखेंगे, थ्री में थ्री का गुणा किया तो कितना होगा, थ्री थ्री जन नाइन, वन का माइनस वन में करें तो लिखेंगे माइनस वन, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करें, थ्री इंटू वन थ्री, फिर वन में टू का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस टू, हो गया। अब आ जाइए यहाँ पर आर टू के लिए, इससे किससे मल्टीप्लाई करें, इसके साथ करें तो माइनस वन में थ्री का गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस थ्री, और माइनस दो का एक में करें तो माइनस दो, हो गया। फिर इसी तरह इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस वन का वन में करेंगे क्या होगा, माइनस वन प्लस फोर, ये चीज। अब देखिए ऐड कर लीजिए इसको, एट में से ये क्या बचेगा, एट बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, फाइव होगा, यहाँ माइनस फाइव होगा, और चार में से घट गया तीन हो गया। एक इसकी वैल्यू है, ये देखिए ये स्क्वायर की वैल्यू, ये स्क्वायर का मान जो निकाल दिया गया है, यहाँ देखिए ए स्क्वायर का मान क्या निकाला गया है, एट फाइव, एट फाइव माइनस फाइव, और ये होगा थ्री, ठीक है। अब आगे क्या निकलना है, माइनस फाइव है, माइनस फाइव ए, तो माइनस फाइव और ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या है, थ्री वन माइनस वन टू हो गया, सब में मल्टीप्लाई कर दें फाइव से तो कितना हो गया, माइनस फिफ्टीन, माइनस फाइव प्लस फाइव और माइनस टेन, ये चीज। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या चीज़ दिया है, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सेवन आई इक्वल टू, ए स्क्वायर की वैल्यू देखिए यहाँ पर है, वही ए स्क्वायर की वैल्यू एट फाइव माइनस फाइव थ्री निकाल दिया गया है। और यहाँ पे देखिए माइनस फाइव ए, माइनस फाइव ए की वैल्यू ये चीज़ है, क्या है, प्लस माइनस फिफ्टीन माइनस फाइव, फाइव माइनस टेन है, देखिए इसकी वैल्यू है फाइव है, प्लस सेवन आई, तो सेवन आई की वैल्यू क्या होती, वन ज़ीरो ज़ीरो वन इक्वल टू, ये देखिए एट फाइव माइनस फाइव थ्री, ये चीज़ है, प्लस ये कितना लिखेंगे, माइनस फिफ्टीन माइनस फाइव, फाइव माइनस टेन ये है, प्लस यहाँ होगा सेवन आई ज़ीरो, और सेवन इंटू वन यानी कि ये क्या होगा, सिर्फ सेवन ही होगा, सेवन में वन का मल्टीप्लाई किया है ज़ीरो, और सेवन इंटू वन होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको सेवन ही लिख लेंगे, एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं, एट फाइव माइनस फाइव थ्री प्लस माइनस फिफ्टीन माइनस फाइव, फाइव माइनस टेन प्लस सेवन ज़ीरो ज़ीरो सेवन हो गया। यहाँ एक स्टेप घटा सकते थे, एक स्टेप बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए एट और सेवन जोड़ेंगे तो फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। और यहाँ देखिए फाइव माइनस फाइव ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो है ही है, फिर यहाँ पे क्या होगा, माइनस फाइव प्लस फाइव तो ये भी ज़ीरो हो गया, और ये देखिए सेवन और थ्री टेन और माइनस टेन ज़ीरो हो गया। तो क्या इस किसकी वैल्यू है, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सेवन आई इक्वल टू ज़ीरो, ये क्या है, ए ज़ीरो आ गया, ठीक है, बात समझ में आ गई, यही क्या करना था, प्रूव करना था, ये प्रूव करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर
अगला जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर नाइन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, यदि यदि यक्स -5 -1 ये चीज़ है, और एक अभ्यूह दिया है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 ये है, और यहाँ पे है यक्स 4 1 = 0। ये क्वेश्चन 7 ही है, 7 ही तरह है। तब क्या करना है, इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, हम उसी तरह से करेंगे कि पहले हम इसके साथ इन दोनों मल्टीप्लाई कर दें, फिर किसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, और वही हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। तो एक्स का मान निकल जाएगा। चलिए सॉल्व, एक्स -5 -1 ये है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 किसके साथ है मल्टीप्लाई करना, एक्स 4 1 = क्या 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे, एक्स -5 -1 ये अभी हुए। चलिए 1 में एक्स का मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, एक्स प्लस 0 का 4 में 0, 2 का 1 में प्लस 2 हो गया। इस लाइन का 0 में एक्स का करें तो 0 हो गया, और 2 में 4 का करें प्लस 8, और 1 में 1 का करें प्लस 1। 2x + 0 + 3 = 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स -5 -1 ए अभी है, नेक्स्ट क्या है, एक्स प्लस 2, दूसरा क्या है +9, और 2x + 3 = क्या 0। बात समझ में, अगर 2x 9 और एक्स प्लस 2। अब ये पूरे रो का इस कॉलम के साथ, एक ही कॉलम है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हम पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, x² + 2x। फिर इसमें मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो -45, फिर -1 का इसमें करें तो -2x - 3, ये क्या बन गया, अभी = 0। चलिए ए 2x से प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गया, x² - 48 = 0। तो x² = कितना होगा, 48, x = ±48। आप जान रहे हैं क्या होगा, 16 * 48 होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16√3 √ में प्लस माइनस के साथ, ये √16 क्या होगा, ±4√3, एक इसकी वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब जो है इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, तो आज 11 बताएंगे, कल जो है क्वेश्चन नंबर 10 बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये एक तरह के क्वेश्चन है, वही भारतीय क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 कल बताएंगे, या उसको आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लिखा है अभ्यूह एक्स ज्ञात कीजिए, अभ्यूह एक्स ज्ञात कीजिए, क्या दिया है एक्स, ए है 1 2 3 4 5 6 = -7 -8 -9 2 4 6 2 4 6 है। यहाँ पे एक्स का दिया नहीं है कुछ,
एक्स यहाँ सिर्फ दिया है, तो जब हम इसको क्या करें, एक्स को एक आव्यूह मान लें, डिटर्मिनेंट मान लेते हैं, आई बात समझ में, वो मैट्रिक्स मान लेते हैं कि क्या चीज़ होता है। तो लिखेंगे माना कि एक्स इक्वल टू ए बी सी और डी, ठीक है, इसका मान यहाँ पे रख दें। तो यहाँ एक्स की जगह पे हम रख देंगे तो क्या होगा, ए बी सी ए हुआ डी, आगे 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 ये होगा 6। चलिए इसका मल्टीप्लाई किसी इसी तरह से किया जाता है, पहले इसका इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, ए प्लस 4b क्या होगा, ए प्लस 4b, फिर इसका इसके साथ करें तो 2a प्लस 5b, फिर इसका इसके साथ करें तो क्या लिखेंगे, 3a प्लस 6b। नीचे देखिए सी यहाँ मल्टीप्लाई करें तो c प्लस 4d, फिर 2c प्लस 5d, फिर 3c प्लस 6d, देखिए बन गया डी। आव्यूह -7 -8 -9 2 4 6, देखिए ये बन गया, ये मैट्रिक्स हमने बना दिया। अब देखिए इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, इसके बराबर होगा, आई बात समझ में। तो हम क्या लिखें यहाँ, ए प्लस 4b इक्वल टू -7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से इसका क्या होगा, 2a प्लस 5b इक्वल टू -8, नंबर दो। फिर इसकी जगह पे ये वैल्यू होगा तो होगा 3a प्लस 6b इक्वल टू -9, नंबर थर्ड। अब देखिए इसकी जगह पे क्या है, 2 है, तो c प्लस 4d इक्वल टू 2, इक्वेशन 4 हो गया। फिर इसकी जगह पे ये होगा 2c प्लस 5d इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 5, और 3c प्लस 6d इक्वल टू कितना होगा, इसकी जगह पे क्या है, ये चीज़ है 6 है, ए नंबर, इक्वेशन नंबर 6 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हम सॉल्व करें, सॉल्व करके हम क्वेश्चन को ए बी सी डी का मान निकालेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2, देखिए समीकरण 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 2 ये हो जाएगा, 5 भी ये माइनस कर देंगे, तो क्या करें, ये देखिए नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 2, इसका मतलब समझ रहे होंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके 2 घटाने पर, तो इसमें क्या होगा, 2a प्लस 8b इक्वल टू -14, और 2a ये दूसरा इक्वेशन है, 5b इक्वल टू माइनस। चलिए माइनस करते समय साइन बदलता जानते ही है, माइनस माइनस ये माइनस है तो कैंसिल हो गया, ये कितना होगा, तो हो गया 3b इक्वल टू ये कितना, इसमें से 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -6 बचेगा। अब इसको काट दिया, 2 होगा, बी इक्वल टू क्या आंसर है, बी इक्वल टू माइनस, आई बात समझ में, बी का ये वैल्यू आ गया। अब हम बी का मान समीकरण नंबर किस में रख दें, 1 में रख दें, बी इक्वल टू -2 समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, चलिए 1 में रख दें, तो 1 में रखेंगे तो क्या होगा, ए -8 8b, यहाँ 4 है 4 दूना 8, इक्वल टू एक ये हुआ 4 दूना 8 इक्वल टू, देखिए
यहाँ बी की जगह पे दो रखें, माइनस सेवन हो गया। तो ए इक्वल टू कितना होगा, ए एट है उधर जाएगा तो प्लस एट होगा, माइनस सेवन इक्वल टू वन। तो ए इक्वल टू वन, देखिए ए की वैल्यू भी निकल गई, ए बी की वैल्यू। इसी प्रकार सी की वैल्यू निकालना है। अब देखिए ये फोर देखिए और फाइव देखिए, फोर में टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टू इंटू इक्वेशन फोर माइनस फाइव, इसी तरह से इसका भी वैल्यू निकाल देंगे हम तो क्या होगा, टू सी प्लस एट डी इक्वल टू फोर। ये इक्वेशन फोर है, टू से मल्टीप्लाई कर दिया। और फाइव क्या है, टू सी प्लस फाइव डी इक्वल टू ये है, ठीक है। हाँ तो देखिए आगे क्या करना है, ये क्या करे, माइनस करना है, तो माइनस करते समय साइन चेंज होता है, माइनस ये माइनस हो गया, देखिए कैंसिल हो गया, फोर में से फोर कट गया, जीरो हो गया। इक्वल टू ये एट डी में से थ्री ये फाइव डी घटाओगे तो क्या होगा, थ्री डी, तो यानी डी इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया, डी इक्वल टू जीरो होगा। अब डी का मान समीकरण नंबर हम फाइव में रख दें, सिक्स में रख दें, कहीं भी रख देंगे तो सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो किस में रख दें, डी इक्वल क्या रखने पे, यहाँ जीरो रखने पे, किस में, समीकरण नंबर फाइव में, समीकरण फाइव है तो क्या होगा, टू सी प्लस फाइव इंटू जीरो इक्वल टू फोर। तो टू सी इक्वल टू फोर, तो सी इक्वल टू कितना आएगा, टू आया, तो सी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, टू। अब देख लीजिए आंसर में क्या लिखेंगे, ए बी सी और ए डी हो गया। ए की वैल्यू क्या आया है, ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू माइनस टू, सी की वैल्यू टू और डी की वैल्यू हो गया जीरो। ये इसका क्या है आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप इतना क्वेश्चन करें। अब जो है अब आगे क्या लिखना है, एक चीज़ और आगे बढ़ा के लिख दीजिए, एक्स का वैल्यू क्या माना गया है, एक्स इक्वल टू आता एक्स इक्वल टू ए बी सी डी लिखा हुआ है। तो यही एक्स का मान ही निकालना था, आगे आप कर सकते हैं। ए की वैल्यू क्या लिखा है, वन, तो लिख देंगे वन। बी की वैल्यू क्या है, माइनस टू। सी ए डी की वैल्यू जीरो और सी की वैल्यू यहाँ पे है दो, ठीक है। बस यही है आंसर, ए यानी यस हो गया, ठीक है। अब बाकी जो है एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, आप कर लें, आ नहीं तो देखेंगे तो हम कल बताएंगे। इसके बाद से अब हम शुरू क्या करेंगे, अब चैप्टर नंबर जो अगला है वो है फोर चैप्टर और सारणिक। तो नेक्स्ट डे एक क्वेश्चन बताना होगा तो बता देंगे, क्वेश्चन नंबर टेन पूछेंगे तो, आ नहीं तो हम आगे चलेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 ये सब बहुविकल्पी क्वेश्चन है, तो बहुविकल्पी क्वेश्चन तो करें और पीछे जितना दिया हुआ है सारांश वो सब याद करें, तो ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।